नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। खंडवा, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निंद्रा त्याग कर जागृत होते हैं। सनातन ग्रंथों में उल्लेख है कि इसी शुभ मुहूर्त में परम सती भगवती तुलसी से उनका विवाह हुआ था। इसीलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी और द्वादशी पर्व को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शालिग्राम का पूजन तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होता, जबकि तुलसी पत्र अर्पित करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री शालिग्राम और भगवती तुलसी का विवाह करने के अभाव कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं और पुण्य फल भी प्राप्त होता है। यह बात किशोर नगर जूनियर LIG स्थित भगवत कृपा भवन के समीप तुलसी विवाह के पूर्व हिंदू रीति रिवाज एवं परंपरा अनुसार मंगल गीतों की प्रस्तुतियां देने के लिए उपस्थित क्षेत्र की मातृशक्ति और श्रद्धालुओं से पंडित गुणवंत चौरे ने कही। किशोर नगर रहवासी संघ प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से महिलाएं व भक्तगण कार्तिक महात्म्य कथा श्रवण एवं आरती के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं यहां प्रथम बार देवउठनी एकादशी को परंपरागत रूप से तुलसी विवाह का अद्भुत आयोजन भी किया जाएगा। तुलसी विवाह के पूर्व मातृशक्ति द्वारा मंगल गीतों की सुंदर प्रस्तुतियां भी दी गईं। इस अवसर पर अनु दुबे, अंगूरी गुजर, अनीता चौरे, जानकी अग्रवाल, संगीता लाड, अनीता तोमर, वंदना बड़बड़े, रंजीता श्रीवाल चौहान, नेहा मंगवानी, जया खांडेल, ममता राठौर, अंजुला चित्तौड़े, ज्योति मंगवानी, राजकुमारी गिनारे, माया मुजमेर, कलाबाई यादव, पलक गाठे सहित बड़ी संख्या में माता बहनें उपस्थित रहीं। भाभी जी, आज आपने क्या आयोजन किया ये? राधे राधे, आज हमने तुलसी जी को विदाई देने के लिए उस उपलक्ष्य में आप भजन किशोर नगर में रखे और आने वाली 15 तारीख को उनका विवाह परंपरागत करेंगे। हम तुलसी विवाह रसाले राम जी के साथ बड़ी धूमधाम से परंपरागत हम आने वाली 15 तारीख को मनाएंगे। ये कार्तिक का एक माह का कार्यक्रम होता है। कार्तिक माह में महिलाएं सुबह से 4 बजे से उठ के स्नान ध्यान करके 5 बजे से 6 बजे तक के पूजा अर्चना करती है और इसमें जो हर रोज आने वाले में कथाएं सुनाई जाती है, अलग अलग प्रकार की कथाएं सुनाई जाती है तुलसी शालिग्राम। और इसमें के 11 के दिन जो तुलसी विवाह का आयोजन हो रहा है, तुलसी विवाह होता है अपनी बेटी को जैसे विदा करते हैं उसी प्रकार इस तुलसी का विवाह होगा और इसमें धूमधाम से तुलसी विवाह मनाया जाएगा। ये पहला साल है हमारा, इसमें तुलसी विवाह में कन्यादान भी होगा, फेरे भी लगाएंगे, कन्हैया जी के धूमधाम से बारात भी निकाली जाएगी, उनका बाना भी निकाला जाएगा, कन्यादान भी होगा। 12 के दिन तुलसी विवाह की विदाई होगी और पूर्णिमा के दिन इनकी पूर्णा होती है। वैकुंठ 14 के भगवान विष्णु का पूजन होता है, रात्रि जागरण भी होता है और इनको विदाई दी जाती है। 5 दिन का ये हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा। हाँ, तुलसी विवाह पूजन करने से हमें ये फायदा मिलता है कि सुबह स्नान करने से तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुबह की पूजा अर्चना करने के से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में संपन्नता आती है और अपने देश के लिए भी जो देश अपन ना रहे तो अपने परिवार सारा देश अपना सुखी रहे, इसके लिए हम कामना करते हैं देश के लिए भी। जो तुलसी विवाह के संपन्न होने के बाद में ये हम अपने घर की सुख समता, अपने परिवार की सुख शांति के लिए करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह कार्तिक माह चल रहा है और इस कार्तिक माह में मतलब कि स्नान किया जाता है और इस कार्तिक माह को शरद पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाता है, तो पूर्णिमा के एक माह तक यह कार्तिक माह चलता है। इसमें कई महिलाएं व्रत भी रखती हैं और कई महिलाएं स्नान करती हैं। इसमें 4 से 5 के बीच में महिलाएं पूजा अर्चना कथा कहती हैं और पूजा अर्चना करके अपने भजन कीर्तन भी करती हैं और इस दिन मतलब इस कार्तिक माह में पूजा के समय में तुलसी में कान्हा जी और गणेश जी की स्थापना और शालिग्राम की स्थापना की जाती है और भजन कीर्तन करने के बाद में चिड़ियाओं को चावल के दाने भी दिए जाते हैं
और उसमें मतलब कि इस दिन 11 इस माह में 11 के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है और इस दिन से मतलब कि शादी विवाह मतलब शुभ विवाह शुरू प्रारंभ किए जाते हैं। और अपने पर इस कार्तिक माह का महत्व है कि इसमें मतलब अपने परिवार व अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है। हमारे किशोर नगर में यह तुलसी विवाह के दिन धूमधाम से यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसमें तुलसी विवाह में बारात भी निकाली जाएगी और भजन कीर्तन भी किए जाएंगे और वाना भी निकाला जाएगा। जो भी परंपरागत रूप से यह कार्यक्रम मनता है उसी प्रकार हम मना। यह कार्तिक का महीना चल रहा है और यह एक माह के लिए इसमें स्नान किया जाता है और इसमें कृष्ण भगवान की और शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। इसमें गणेश जी और तुलसी भी तुलसी की पूजा की जाती स्थापित की जाती है और उनके सुख समृद्धि के लिए यह कार्तिक का महीना मतलब एक माह तक स्नान किया जाता है। और इसमें अपने बच्चों के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और सभी की सुख समृद्धि के लिए कामना की जाती है। खबर समय जगत के लिए खंडवा से ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।